कुछ जिम्मेदारियों की वजह से हम वो नहीं कर पाते, लेकिन अपने रिश्ते को और ताजा करने के लिए एक दूसरे को सरप्राइज दीजिए, ब्रेक लीजिए काम में से, बच्चों को लेकर घूमने के लिए जाइए, खुद भी थोड़ा टाइम निकालकर हर विषय पर बात कीजिए। संवाद ही इस पर सबसे बड़ा सोल्यूशन है। आरोग्य जागृति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आरोग्य जागृति में आप सभी का स्वागत। मैं आपकी दोस्त जयश्री श्रीवास्तव। आज का हमारा विषय है शक और गलत फहमी। मन में अगर शक की दीवार खड़ी हो जाए तो गलत फहमी या रिश्तों को ख़राब कर देती है। आज हम हमारे आसपास ऐसी कितनी सारी खबरें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, शक की वजह से पति पत्नी में झगड़े, मन मुटाव, फिर इनका रूपांतर घटस्फोट में हो जाता है, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। हमारी बदल रही जीवन शैली में अब ऐसी घटनाएं आम होती जा रही है। दो अलग अलग विचारों के व्यक्ति शादी के बाद पति पत्नी बनकर साथ में आते हैं। शादी के पहले हर लड़की अपने पार्टनर के बारे में कुछ उसकी राय होती है, वैसे ही लड़कों की भी होती है अपनी पत्नी को लेकर। शादी के बाद जब साथ पति पत्नी बनकर आते हैं तो कुछ चीज़ें उनके मन जैसी नहीं होती है, तब एडजस्ट करना पड़ता है। रिश्ता बचाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। अगर कुछ अपेक्षाएं शादी के बाद पूरी नहीं होती है तो उन पति पत्नी के बीच फिर चिड़चिड़ बढ़ जाती है, झगड़े होने लगते हैं। बहुत छोटा सा हादसा है ये गलत फहमी, लेकिन बड़े बड़े रिश्ते खराब कर देता है ये। किसी के कहने पर विश्वास करके अपने रिश्तों पर शक करना आपके प्यार भरे रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। शक और गलत फहमी दोनों बेबुनियादी होते हैं। बदलते वर्क कल्चर में मेल कलीग का अपने फीमेल कलीग के साथ बात करना, कुछ शेयर करना आम बात है। बिना वजह उसके बारे में जितना सोचोगे उतना शक गहरा होता जाएगा। कुछ पति पत्नी की मानसिक स्थिति बराबर नहीं होती है। मानसिक रोग होने के कारण वो एक दूसरे पर शक करते हैं, झगड़े करते हैं, और वो ये कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमें कुछ मानसिक बीमारी है। किसी किसी को व्यसन होते हैं, उस नशे की लत में वो अपने पति पर, वो अपने पार्टनर पर शक करते हैं, झगड़े करते हैं, दिन ब दिन ऐसे झगड़े बढ़ते हैं। फिर अगर उस परिवार में बच्चे छोटे हैं तो उन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चे बड़े भी हैं तो उन पर भी इन झगड़ों का बहुत गलत असर पड़ता है। रिश्तों में शक और गलतफहमी होने के कारण झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि आजकल हम देखते हैं पति पत्नी में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी कितनी सारी बीमारियां इन इस वजह से फैल रही है, क्योंकि शक और गलतफहमी की वजह से हम एकदम मानसिक रूप से हमारी मानसिक स्थिति बराबर नहीं रहती है। हर बार झगड़े, हर बार गलत सोचना, अपना पार्टनर घर से बाहर जाता है तो वो हमेशा हम उसी दिशा में सोचने लगते हैं, उस पर शक ही करते रहते हैं। हमारे दिमाग में हम गलत सलत विचार आने लगते हैं और इसके इन विचारों की वजह से हमारी मानसिक स्थिति बराबर नहीं रहती है, क्योंकि जब हमारा मन अच्छे विचार सोचता है तभी हमारे साथ वो अच्छा अच्छा ही होते जाता है। और अगर हम हमारे पार्टनर को शक और गलत फहमी की नज़र से ही देखते रहेंगे तो वो स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। रिश्तों में शक और गलतफहमी होने के कारण झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि आजकल हम देखते हैं पति पत्नी में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी कितनी सारी बीमारियां इन इस वजह से फैल रही है, क्योंकि शक और गलतफहमी की वजह से हम एकदम मानसिक रूप से हमारी मानसिक स्थिति बराबर नहीं रहती है। हर बार झगड़े, हर बार गलत सोचना, अपना पार्टनर घर से बाहर जाता है तो वो हमेशा हम उसी दिशा में सोचने लगते हैं, उस पर शक ही करते रहते हैं। हमारे दिमाग में हम गलत सलत विचार आने लगते हैं और इसके इन विचारों की वजह से हमारी मानसिक स्थिति बराबर नहीं रहती है, क्योंकि जब हमारा मन अच्छे विचार सोचता है तभी हमारे साथ वो अच्छा अच्छा ही होते जाता है। और अगर हम हमारे पार्टनर को शक और गलतफहमी की नज़र से ही देखते रहेंगे तो वो स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। शक बढ़ते जाएगा, इसकी वजह से झगड़े होते जाएंगे, इसका बहुत गहरा असर परिवार पर पड़ता है। घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन पर इसका असर पड़ता है। उनकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं रहती है तो वो फिर ऐसी अलग अलग बीमारियों से परेशान हो जाते हैं।
बदलती टेक्नोलॉजी इसके लिए कारण, इसका एक कारण हम बोल सकते हैं बदलती टेक्नोलॉजी मोबाइल। मोबाइल के जितने फ़ायदे हैं उतने ही तोटे भी हैं। फ़ायदे हमारे ऊपर है, हम किस तरह आगे की व्यक्ति को मैसेज करते हैं, किस तरह से आजकल आप देखते हैं कितने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं गलत मैसेज करने की वजह से। हम जानते भी नहीं है आगे की व्यक्ति कौन है, हम उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको मैसेज भेज देते हैं, और क्या मैसेज भेज रहे हैं हम इसका भी हमें कुछ पता नहीं होता है। इसकी वजह से ये झगड़े बढ़ते हैं, और हमें इसका बहुत ध्यान देना होता है कि हम किस पद पर है, हमारा घर में हम किसी की बीवी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, तो हमें भी औरतों को भी ये ध्यान रखना होगा कि आगे हम व्यक्ति को कैसे मैसेज भेज रहे हैं। उस मैसेज की वजह से पति पत्नी में मनमुटाव आ सकते हैं, और पत्नी का अगर पति का पत्नी पर शक है तो वो अपने पति से बात करें। संवाद एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में अगर बढ़ जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं, झगड़े की नौबत ही नहीं आती है, बैठकर बात कर उसे सुलझाया जा सकता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं मोबाइल की वजह से ये शक और गलत फहमी बहुत बढ़ रही है। ऑफिस में कलीग के साथ बात करना, कुछ शेयर करना अच्छी बात है, पर उस मैसेज पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मैसेज भेजते समय हमें हमारे शब्दों पर और हम क्या टाइप कर रहे हैं इसका ध्यान इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आती है तो वो हमारे कितने पास है, हम उसको कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं, ये सब देखकर मैसेज, दोनों को भी ये खबरदारी बरतनी होगी, पति और पत्नी दोनों को। पति पत्नी के बीच जब झगड़े होते हैं तब एकदम से बात करना बंद मत कीजिए। एकदम से बात बंद करने के बाद में वो आपके बारे में क्या सोचती है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, पति पत्नी के बारे में क्या सोचता है इससे पति को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये फिर मनमुटाव ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप बात करें। अगर बात कर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप किसी डॉक्टर की मदद ले, काउंसलर की मदद ले। अगर आपको ऐसे झगड़े होने के कारण हम मानसिक तौर पर हमारा संतुलन खो जाता है, आम आदमी का भी अगर परिवार में ऐसे झगड़े शुरू हो जाते हैं शक और गलत फहमी की वजह से, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम को बढ़ाने से तो अच्छा है कि हम किसी डॉक्टर की मदद ले, मानसोपचार तज्ञ की मदद ले। ऐसा नहीं है कि मानसोपचार तज्ञ सिर्फ पागल लोगों का ही इलाज करते हैं, वो एक उनका तरीका होता है हर पेशेंट को हैंडल करने का, हम उनकी मदद ले सकते हैं। घर में हमेशा ऐसे झगड़े होने के कारण भी कुछ व्यक्तियों को नशे की आदत लग जाती है, फिर उसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, उनकी सोचने की सूझबूझ से बात करने की शक्ति वो खो देते हैं नशे की इस वजह से। और कुछ लोगों को स्टीरॉइड्स लेने की आदत होती है, उन गोलियों की वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए हमें काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, हमें हमारा रिश्ता बचाना चाहिए। शक और गलत फहमी को दूर करने के लिए हमें पॉजिटिव सकारात्मक रहना होगा। अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार आएंगे तो ही हमारे साथ सब अच्छा होगा। अगर आप हमेशा अपने पार्टनर पर शक कर रहे हो, उस पर हमेशा उसके साथ झगड़ा कर रहे हो, हमेशा उसकी कंप्लेंट करते हो कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो ऐसे से आपका रिश्ता कभी ठीक होने वाला नहीं है। पहली बात, खुद में बदलाव लाओ, सकारात्मक विचार करो, अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दो। आप सकारात्मक विचार करोगे तो चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लगेगी, वो अच्छी चीज़ें होने लगेगी कि तो आप अपने पार्टनर के बारे में भी अच्छा ही सोचने लगोगे, और ऐसे से आप अपना रिश्ता बचा सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता संसार में बहुत बड़ा रिश्ता माना गया है, हमें इस रिश्ते को तोड़ना नहीं है। घटस्फोट लेने के बाद कोई सुखी नहीं रहता है, हमें देर रहते ही इन सब चीज़ों को पहचान कर हमारा रिश्ता बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बहुत बार ये सोचकर चुप बैठते हैं कि लोग क्या कहेंगे,
और घर के अंदर शक और गलतफहमी की वजह से झगड़े बढ़ते ही जाते हैं। तो क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचिए। रिश्ता बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो इसके बारे में सोचिए। शादी के बाद जैसे हम एक साल में हमारा रिश्ता कैसा होता है पति पत्नी का, तो 10 साल के बाद वैसे क्यों नहीं होता। ठीक है, कुछ जिम्मेदारियों की वजह से हम वो नहीं कर पाते, लेकिन अपने रिश्ते को और ताज़ा करने के लिए एक दूसरे को सरप्राइज़ दीजिए, ब्रेक लीजिए काम में से, बच्चों को लेकर घूमने के लिए जाइए, खुद भी थोड़ा टाइम निकाल कर हर विषय पर बात कीजिए। संवाद ही इस पर सबसे बड़ा सोल्यूशन है। जितना आप एक दूसरे से बात करेंगे, आपके मन में के मन मुटाव दूर होते जाएंगे और आप जितना सकारात्मक रहेंगे अपने रिश्ते को लेकर, उतना ही आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती जाएंगी और आप अपना रिश्ता बचा सकेंगे। आप ही सोचिए, एक रिश्ता इतने से छोटे से हादसे की वजह से, शक और गलतफहमी की वजह से तोड़ देना, क्या ये सही है? इसका समाज में इतना बड़ा, आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, इतना बड़ा है क्या ये इशू? हर बीमारी का सोल्यूशन है, हर रिश्ते पर हर बीमारी का इलाज है। अगर आप किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं तो काउंसलिंग कीजिए, डॉक्टर की मदद लीजिए। आज इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है, उसका अच्छा फ़ायदा उठाइए, अपने रिश्ते को बचाइए। अपनी सोच सकारात्मक रखिए, अपने रिश्ते को बचाए रखिए। अपना रिश्ता बचाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो कोशिश कीजिए। शक और गलतफहमी की वजह से झगड़े को आगे मत बढ़ाइए। हमारा रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। ये हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही हमारे रिश्ते को बचा सकती है। आरोग्य जागृति में मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आरोग्य जागृति।